अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है जी ड्राई सेमिया। इसको आप दूध में भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ड्राई पसंद है और ये बारीक सेवी ली है मैंने। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, मेरे घर में तो खैर सब शौक से खाते हैं। तो सबसे पहले ऑयल जो है हम गर्म करेंगे और साथ उसमें जो है छोटी इलायची और सौंफ डालेंगे, और साथ ही हम जो सेवियाँ वो अच्छे से तोड़ के बीच में डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनने देंगे। तो जैसे ही अच्छे से भुन जाएगी तो उसके बाद जो है हम बीच में दूध ऐड कर देंगे, और दूध ऐड करने के साथ ही हम जो है इसमें ऑलमोस्ट 1 कप दूध था और 1 कप ही तकरीबन जो है मैंने शुगर ऐड की। शुगर ज़्यादा हमारे यूज़ करते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा ली। इसको जो हम भूनेंगे, भूनने के बाद इसको हम दम पे पकाएंगे ताकि जो शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, और मुझे अपने कमेंट्स में शो कीजिएगा ताकि मैं और किस तरह चीज़ों में बेहतरी लेकर आऊँ। और बाकी जो है आपकी दुआओं के साथ हैं आपकी जो है वो कमेंट्स के साथ है कि मैं चीज़ों को किस तरह बेहतर कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जी हमने इसको दम पे रखा है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। बाकी अभी जो है मेरी शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं, पर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं फुल रेसिपी जो है कम्प्लीटली आपको जो है वो उसकी वीडियोस जो है अपलोड करूँगी। तो आजकल वेदर भी इतना अजीब है, कुछ समझ नहीं आ रही, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी पंखे के नीचे अच्छा लगता है तो कभी जी पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है, कभी पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है। तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और यहाँ जी हमारी सेवियाँ काफ़ी हद तक कुक हो गई हैं, आप देख सकते हैं शुगर मेल्ट हो गई है, और जैसे ही एक प्रॉपरली मेल्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये नीचे लग सकती हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें ना आप चम्मच चलाते रहिए ताकि नीचे ना लगे। तो साथ साथ जी मेरे बच्चे भी रो रहे थे, उनको भी मैं देख रही थी। ये हमारे घर में सभी सेवियाँ खा लेते हैं, बच्चे भी बड़े भी, और ज़्यादा चीज़ें मैंने बीच में नहीं डाली। हालांकि इसमें बादाम मैं डालती हूँ मगर मैंने बादाम नहीं डाले, उसकी वजह ये कि बच्चे खाते हैं तो फिर मुझे निकालने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैंने ऐसे बनाई। तो आई होप आपको सेवियाँ अच्छी लगी होंगी। सो अपने दम में याद